चुंडा विकास नगर में हुआ रावण दहन। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन द्वारा आदेशित सभी नियमों का पालन करते हुए आज कुसमुंडा क्षेत्र के विकास नगर में रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। नव युवक दुर्गा समिति द्वारा बिल्कुल सादे रूप में करीब 9.5 फीट का रावण बनाया गया और देर शाम रावण के बनते ही थोड़ी सी आतिशबाजी करते हुए रावण का दहन किया गया। क्षेत्र के पार्षद व MIC सदस्य अमरजीत सिंह ने सभी क्षेत्रवासियों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आप देख सकते हैं किस तरह से रावण का दहन आज यहाँ हो रहा है। हालांकि काफ़ी लोग घरों से नहीं निकल पाए, इसलिए हमने यह वीडियो आपके सामने लाए हैं। किस तरह का आयोजन हुआ भैया? आज विजयदशमी के दिन मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपने परिवार के साथ लगभग हमारे कमेटी के लगभग 40-50 लोग आए थे और एक नेक की तरह रावण का दहन किया गया और शांतिपूर्वक दशहरा का समापन हुआ। क्या लगता है कोरोना काल में कितना मुश्किल रहा ये? कोरोना काल में बहुत ही मुश्किल रहा है, क्योंकि मतलब श्रद्धालु आते थे अकेले अकेले आके अपनी पीड़ा बताते कि हम अपने परिवार को बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं कोरोना के डर से। हम माता रानी से विनती करते थे कि हमारे कुसमुंडा कोरबा छत्तीसगढ़ और पूरे देश में विश्व में कोरोना जल्दी समाप्त हो, और सब मैया से विनती करके गए हैं कि सुख समृद्धि है और जल्दी से कोरोना खत्म हो। हम लोग भी माता से, हमारे कमेटी ने माता से ही दुआ किए हैं कि जल्दी से कोरोना काल खत्म हो और लोग अपने बीमारियों से दूर हों। मतलब बहुत अच्छा आयोजन रहा, लगभग दुर्गा माँ के आशीर्वाद से अच्छा रहा और सब नियम के साथ ही हुआ है।